आज क्या बन रहा है भाई? तीज के लिए पेड़किया यानी गुजिया। शुद्ध घी में? नहीं, रिफाइंड में। ये बहुत महंगा है। तीज में खबौनी मतलब ठेकुआ भी बनता है क्या? हाँ भाई, वो भी बनाएंगे बनाएंगे। गुजिया तो हर घर में बनती है, लेकिन अलग अलग मौके पे, अलग अलग अवसर पर। हमारे यहाँ हरितालिका तीज में प्रसाद के रूप में इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने सूजी भून के रख लिया और अब मावा को भूनूंगी। आज मैं बस 100 ग्राम मावा से गुजिया बना रही हूँ। किसी जमाने में 1 किलो मावा से भी बनाती थी। अब तो ज्वाइंट फैमिली रही नहीं, इसलिए बस जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से प्रसाद वगैरह बना लेते हैं। तीज के एक दिन पहले नहाए खाए होती है और इस दिन लहसुन प्याज बिल्कुल ही नहीं बनाई जाती। खाना बनाने से लेकर प्रसाद बनाने तक का काम सुबह नहाने के बाद ही शुरू होती है। यहाँ पर मैंने मावा भी भून लिया और इसे सूजी के साथ ही रख देती हूँ। थोड़े से नारियल के बुरादे को भी मैंने कढ़ाई में हल्का सा भून लिया और अब इसे भी इसी में मिला देंगे। आप लोग मेरी वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, और आपके यहाँ भी प्रसाद में क्या बनती है यह भी ज़रूर बताएं। इलायची को भी कूट कर उसके छिलके को हटाकर मिश्रण में मिला देती हूँ। मिश्रण अब थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब इसमें 2 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ। आज पति देव की भी हेल्प मिल रही है तो काम थोड़ा आसान सा हो गया। अब इसमें थोड़े से कटे हुए नट्स डाल देती हूँ। किशमिश नहीं मिलाती हूँ क्योंकि वो तलने के समय फटने लगती है। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 2 चम्मच घी डालते हैं। अब घी की जगह रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट बहुत अच्छी होती है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तीज का यह व्रत पहले तो लेडीज निर्जला उपवास रखकर करती थी, लेकिन अब समय के हिसाब से काफ़ी चेंजेज आ गए और होनी भी चाहिए। लीजिए, डो बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ काट कर रख लेंगे। मैं कोई सांचा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बस स्टफिंग डालेंगे और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए एक साइड से फोल्ड करते हुए घुमा देंगे, है ना? आसान सी। बस ध्यान रहे कि दबनी अच्छी से चाहिए। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तेल मीडियम हॉट है, बहुत ठंडी या बहुत गर्म तेल नहीं चाहिए गुजिया तलने के लिए, लेकिन तलने का समय आँच को बिल्कुल धीमी कर दें। देखो, लगता है पककर तैयार हो गया है, गोल्डन ब्राउन नजर आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है, बस अब निकाल लेते हैं।